हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 43 करेंगे, पोर्ट्रेट, जिसमें हमें ट्रांसपेरेंट कलर करने हैं। तो सबसे पहले तो ये जो पिक्चर जो आपको दी गई है, इसको आप पूरा कर लेंगे पेंसिल से। इस तरह से इस तरह से हम पिक्चर को पूरा करते जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें कलर करेंगे। सबसे पहले लाइट कलर लेंगे। यहां मैं येलो कलर का यूज कर रही हूं। जहां हमें हाईलाइट देनी है वहां पे हम कलर नहीं करेंगे। इस तरह से हमने पहले तो हमने लाइट येलो कर लिया है, अब हम स्कारलेट कलर लेंगे। इस तरह से हम इस कलर को मिक्स करते जाएंगे उस लाइट कलर में। इस तरह से हम इसमें कलर करते जाएंगे। येलो कलर में हमने स्कारलेट कलर मिला के ये कलर बनाया है। इसको हम इस तरह से यहां पर यूज करेंगे और इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। येलो स्कारलेट कलर और थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ब्राउन मिला के हम एक कलर बनाएंगे, स्किन कलर। इस तरह से यहां इसको यूज करेंगे फेस पे। इस तरह से कलर करने के बाद हम इसको सूखने देंगे। अब हम ब्लू कलर लेंगे, कोबाल्ट ब्लू है ये, इसका टच देंगे हम। ये हमने कोबाल्ट ब्लू कलर लिया है, इसको इस तरह से लगा देंगे हम और पानी की सहायता से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से हम कहीं लाइट और कहीं डार्क की शेड देंगे इसमें।
इसे भी हम अभी सूखने देंगे। अभी हम 00 का ब्रश लेंगे, सर्कल वाला राउंड ब्रश लेंगे। और उसमें ब्राउन कलर लेके इस तरह से हम इसमें लगाएंगे फेस पे। इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे, फिर लाइंस डाल के। इस तरह से यहाँ पे हम इसकी मूछें बना देंगे। ब्राउन कलर ही अभी हम यूज कर रहे हैं। ब्रश को धो लेंगे। जो हमने पहले स्किन कलर बनाया था उसको यूज करेंगे। इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। अब हम ब्लैक कलर लेंगे। इस तरह से हम ब्लैक कलर यूज करेंगे। यहाँ पे थोड़े से हेयर दिखाएंगे इनके। इस तरह से हम यहां पर इनके हेयर दिखाएंगे। आईज में भी हम और काम करेंगे। इस तरह से हम आईज में ब्लैक से आउटलाइन करेंगे। बीच में यहाँ पे डॉट डालेंगे। जैसे हम इस पिक्चर को पूरा करते जाएंगे।
इस तरह से इसमें लाइंस करते जाएंगे। कहीं कहीं हम ऐसे थोड़ी थोड़ी लाइंस बना के हेयर दिखाएंगे इसमें। इस तरह से इस तरह से हम इसमें वर्क करते जाएंगे। एक के बाद एक कोटिंग करेंगे हम कलर की और इसमें फिनिशिंग देते जाएंगे। यहां पे मैं ब्राउन कलर का यूज कर रही हूं। इस तरह से हम एक के बाद एक कोटिंग करते जाएंगे। इस तरह से हम अपने पोर्ट्रेट को पूरा कर लेंगे। इस तरह से हम ट्रांसपेरेंट कलर द्वारा इस पोर्ट्रेट को पूरा कर लेंगे।